नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। वास्तु शास्त्र में हर घर के कोने में, हर कोने में से लेकर हर काम करने और उसमें सुफल पाने के लिए जरूरी बातें बताई गई हैं। यदि इन वास्तु टिप्स को अपनाया जाए तो व्यक्ति ज्यादा सफलता, धन और खुशियाँ पाता है। आमतौर पर बच्चों और उनके पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि एकाग्रता की कमी से पढ़ने में मन कम लगता है या मेहनत के बाद भी मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आता। ऐसी स्थिति के लिए वास्तुशास्त्र में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दी गई हैं। इन वास्तु टिप्स को फॉलो करने से बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है, उसे चीजें जल्दी याद होती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और वह परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छे नंबर लेकर आता है। बच्चे का स्टडी रूम सही दिशा में होना चाहिए, वरना उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा या कड़ी मेहनत के बाद भी उसे पूरा फल नहीं मिलेगा। वास्तु नियमों के अनुसार बच्चे के पढ़ाई का कमरे यानी अध्ययन कक्ष हमेशा उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए और पढ़ाई करते समय बच्चे का चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे, इसका हमेशा आपको ध्यान रहना है। ऐसा करने से आपको बच्चे का ध्यान ज्यादा फोकस्ड रहेगा अपनी पढ़ाई पर। ध्यान रहे कि कभी भी स्टडी रूम टॉयलेट से लगा हुआ ना हो, ऐसा करने से उसका मन भटकता है। बच्चे की किताबें, पुस्तक की रैक या अलमारी पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। यदि जगह की कमी के कारण बच्चे को बेडरूम में ही पढ़ाई करनी होती है तो उसकी स्टडी टेबल की किताबें पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैत्रिय कोण में होनी चाहिए। साथ ही पढ़ते समय बच्चे का चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा में ही हो, इस बात का ध्यान रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार ड्राइंग रूम में पढ़ाई करने वाले बच्चों की मेज, कुर्सी आदि ईशान या उत्तर वाय कोण में रखना चाहिए। वहीं किताबें, रैक आदि पश्चिम और दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए। मेज पर टेबल लैंप रखने की सही दिशा टेबल की दक्षिण पूर्व दिशा है। ध्यान रहे कि सोते समय बच्चे का सिर हमेशा पश्चिम दिशा की ओर हो, इससे उसे एक के बाद एक सफलताएं मिलती हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रशासनिक सेवा, शिक्षा, रेलवे आदि की सेवाओं में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पूर्व दिशा में बैठकर पढ़ना चाहिए। वहीं मैनेजमेंट, अकाउंट, संगीत, गायन, बैंक की पढ़ाई करने वालों के लिए उत्तर दिशा में बैठकर पढ़ना शुभ रहता है। स्टडी टेबल या उत्तर पूर्व ईशान कोण में भगवान गणेश, सरस्वती या हनुमान, अपने इष्ट देव देवताओं की चित्र लगाएं या छोटी सी मूर्ति रखें। हमेशा पढ़ाई शुरू करने से पूर्व उन्हें क्रमबद्ध प्रणाम करें, इससे तेजी से सफलता मिलती है। वास्तुशास्त्र में पढ़ाई करने वाले बच्चों के कमरे की दीवारों पर हल्का पीला और हल्का गुलाबी या हल्का हरा रंग करना सबसे शुभ बताया गया है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।